आपने गिरीश भाई का प्रस्ताव तो सुना ही है, मैं गिरीश भाई का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और भाई आदिल मोहम्मद को अनुरोध करता हूं हमारे साथ आए और कुछ बोले। गिरीश भाई, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्वराज इंडिया का पेश किया है उसको मैं समर्थन देता हूं, अपने मन से पूरे अपनी ताकत से मैं उसको समर्थन देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हम सब इसको बड़े तालियों की गूंज में इसका समर्थन करें और इसको वो ताकत दें जो ताकत देश में होता है। आज संविधान, आज हमारे देश का संविधान खतरे में है। हमने जो बातें वहां सुनी शांति भूषण की, हमने जो बातें प्रशांत भूषण जी की सुनी, हमने जो बातें अब यहां पर सुनने जा रहे हैं, उन सारे बातों का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो इस देश में संविधान पर एक बहुत बड़ा खतरा। उस खतरे को अगर हम रोकना चाहते हैं, उस खतरे को ताकत में बदलना चाहते हैं, तो स्वराज अभियान की तरफ से यह निकला हुआ तोहफा हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के 1.23 बिलियन लोगों के लिए स्वराज अभियान ने इस तोहफे को दिया जिसका नाम है स्वराज इंडिया। आज स्वराज इंडिया बाकी के जनजन पर, बाकी के जनजन पर स्वराज अभियान ने तोहफा दिया है इस देश को, इस देश को उस संकल्प को लेने के लिए जो महात्मा गांधी ने लिया था, हमें के लिए जो महात्मा गांधी ने लिया था इस देश को स्वराज देने के लिए। मैं इस बात से अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो जिस विकल्प की तलाश में थे उस विकल्प को आज देख रहे हैं, उस विकल्प के लिए हम अपने जड़ों, हमारे जिस्म से, अपनी ताकत से हम सारी कोशिशें करके उसको कामयाब बनाएंगे और उस सूरज को निकलता हुआ देखेंगे जिस सूरज को हम सब देखना चाहते हैं।